sir. Congratulations to all the achievers. I would now like to invite Dr. Mohit Bhandari, sir, to address the audience. Please give a big hand. Good morning, everybody. My teachers on the dais and my dear friends, students who have been receiving the gold medals, and all those of you who are getting passed out from this institute. हर साल ये जो convocation ceremony होती है, इसमें मुझे बोला जाता है कि मुझे कुछ बोलना है, उनको शायद ऐसा लगता है कि आप लोग motivate या inspire हो जाएं. मुझे पता नहीं कौन कितना motivate होता है, but the tradition continues and I've been speaking since last 2, 3, 4, 5 years. The tradition continues this year as well. मैं अभी बहुत देर से यहाँ पर देख रहा था, शायद गोल्ड मेडल्स पहली बार मेरे सामने इस सेरेमनी में, यूजुअली कॉन्वोकेशन होता था, पहली बार इस सेरेमनी में मैंने गोल्ड मेडल्स बढ़ते हुए देखे. सो इट टुक मी बैक अराउंड 15-20 ईयर्स बैक इन माई लाइफ वेन आई वॉज अ स्टूडेंट लाइक यू, एंड कुछ थोड़े बहुत गोल्ड मेडल्स मुझे, मेरी वाइफ भी यहाँ बैठी, एंड वी वर लाइक यू इन MGM मेडिकल कॉलेज आज से कुछ साल पहले. सो इट टुक मी बैक into the role when I was a MBBS student at your time. तो आपके parents भी यहाँ पर बैठे हैं, और बहुत सारे parents को देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे भी parents उस समय वहाँ पर आते थे. My background was from a very doctor based family, तो बचपन में सिवाय डॉक्टरी के मैंने कुछ देखा नहीं. तो डॉक्टरी जब स्टार्ट होती है तो कुछ पता भी नहीं था कि कुछ और बनना है, बनना था तो डॉक्टर ही बनना था. यू नो इट इज़ द हैबिट ऑफ ऑल दी पेरेंट्स जिनके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, कि हमेशा बच्चों को बोलते रहते थोड़ी सी और मेहनत कर लो, बस फिर सब अच्छा हो जाए. सो वो मेहनत कभी ख़त्म नहीं होती, तो वो ऐसे ही कुछ हुआ. बट आई यू नो PMD के लिए उस समय इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं होते थे, 4 कॉलेजेस थे मुझे जहाँ तक याद है, भोपाल, इंदौर, रायपुर, जबलपुर, शायद आई डोंट नो रीवा उस समय होता था, एग्जिस्ट करता था कि नहीं, बट दे वर लाइक 5 कॉलेजेस एंड बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन होता था. तो साल भर जब PMD की तैयारी करते थे तो पापा और मम्मी घर पर बोलते थे, बेटा थोड़ी सी साल भर मेहनत कर लो, इस साल नहीं तो एक साल नहीं तो 2 साल नहीं 3 साल में एक बार तुम्हारा MBBS में हो गया, बस जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे. तो ठीक है, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, जैसे तैसे करके सिलेक्शन हो गया. वो सिलेक्शन होने के बाद 5 साल पढ़ाई करते रहे, जैसे आपने 5 साल पढ़ाई करी, हर साल बहुत टफ होता था. फर्स्ट प्रॉफ, सेकेंड प्रॉफ, बहुत मुश्किल से पास होते थे, बहुत मुश्किल से अच्छे मार्क्स ला पाते थे. तो पेरेंट्स बोलते थे, मदर फादर बोलते थे, थोड़ी सी और मेहनत कर लो, 5 साल बस MBBS पास हो जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, MBBS पास हो गए. जब MBBS पास हो गए तो फिर पेरेंट्स के पास गए कि अब पास हो गए, अब सब ठीक हो गया. बोले नहीं, 3 साल और मेहनत करो, PG और कर लो, बस 3 साल की PG हो जाएगी, ये 3 साल में तुमने अच्छी मेहनत करके PPG क्लियर करके PPG पास कर ली, अब सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा सब्जेक्ट तुमको मिल जाए, थोड़ी 1 साल और मेहनत करो. तो 1 साल मेहनत करी, PPG में सिलेक्शन हो गया, सर्जरी मिल गया, वाइफ को गायनी मिल गया. फिर फादर के पास गए, अब क्या करें. बोले भाई ये 3 साल निकाल लो खूब MY हॉस्पिटल में. अभी आजकल तो रेसिडेंसी बहुत सिंपल हो गई है, हमारे रेसिडेंसी डेज में मुझे मेरी वाइफ का भी याद है और मेरा भी याद है, हम लोग फ़ोन पे बात कर करके रोते थे, 3-3 दिन तक घर नहीं आ पाते थे, बहुत तकलीफ होती थी. और वहाँ हमारा कंपेरिजन हमेशा हमारे फादर मदर से होता था. और सबसे खराब चीज़, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग जिस इंस्टीट्यूशन से पास आउट हुए हैं आपका कोई हिस्ट्री नहीं है, नो बडी इज़ कंपेयरिंग यू विद योर फादर और योर मदर या सिस्टर या ब्रदर्स, वी यूज टू बी कंपेयर्ड. तो वो 3 साल निकल गए. जब 3 साल पास हो गए, MS की डिग्री मिल गई, फिर फादर से बोला आप क्या करें. बोले बेटा 2 साल और फेलोशिप कर लो, फिर बाकी सब कुछ ठीक. ये सब चलते ही जा रहा था कंटिन्यूसली. 2 साल की फेलोशिप हो गई, पास होके फेलोशिप करके आ गए. फिर फादर को एक दिन बोल दिया कि अब बहुत हो गया, अब आपने 5 साल बोला था, फिर आपने 3 साल बोला, फिर आप 2 साल बोलो, अब पूरे जिंदगी के 10 साल पूरे हो गए, 10 ईयर्स इन मेडिसिन हैव बीन पास, अब मैं स्ट्रगल नहीं कर सकता. तो ई सेड ओके, ये लड़ाई यहाँ पर ख़त्म होती है, नई लड़ाई शुरू होती है. अब आज से तुमको अपने जीवन में एक बात ध्यान रखना है कि अब तुम पूरे डॉक्टर बन चुके हो, अब आज से हमारी जिम्मेदारी ख़त्म होती है और जिम्मेदारी तुम्हारी शुरू होती है कि तुम्हारा नाम इस सोसाइटी में तुम्हारे दम पे जाना जाए. हमारे कारण तुमको पेशेंट्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि तुमने 10 साल की जो मेहनत करी है वो 10 साल की मेहनत अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए और अपना नाम करने के लिए करी. तो अब तुम्हारी नई लड़ाई चालू होती है, ये लड़ाई ख़त्म हो गई, अब एक नई लड़ाई चालू होती है. कहने का मतलब ये है कि इन मेडिसिन योर पेरेंट्स विल ऑलवेज से कि थोड़ा और कर लो स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, थोड़ा और कर लो स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, बट दी मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होने वाला है और स्ट्रगल को आपको एंजॉय करना पड़ेगा, आपके एंथुजियाज्म को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन पूरा का पूरा एक अनवरत संग्राम है, एटलीस्ट मेडिसिन में. और मेडिसिन में क्या, अभी कैलाश जी यहाँ से उठकर गया, जितने बड़ी पोस्ट पर पहुँच गए, मुझे नहीं लगता उनका संग्राम खत्म हुआ है. जितने लोग स्टेज पर बैठे हैं उनका संग्राम भी खत्म नहीं हुआ है. लाइफ इज अ जर्नी एंड द स्ट्रगल इन दिस जर्नी इज गोइंग टू कंटिन्यू.
द प्रॉब्लम हियर इज दैट आज के समय में जब आप मेडिसिन में एंटर करें तब समय बहुत चेंज हो गया है. इवन व्हेन आई एंटर्ड मेडिसिन, हमारे फादर मदर जब प्रैक्टिस करते थे, मैंने आज भी मेरी मदर मिल एरिया में प्रैक्टिस करती हैं, हम लोगों ने 5 हॉस्पिटल चेंज कर लिए, शी इज स्टिल स्टक अप एट दैट हॉस्पिटल. उनकी वही वैल्यूज हैं जो वैल्यूज उस समय थी. उस समय का समय और आज का समय बहुत डिफरेंट एरिया है. अब आप लोग कैसे एरा में एंटर करने जा रहे हैं जब आप डॉक्टर्स बने हैं, जब डॉक्टरी को प्रैक्टिस करना और डॉक्टरी में नाम कमाना, इट्स नॉट ईजी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो पेशेंट्स की हैं, जो सोसाइटी एट लार्ज की है, डॉक्टर्स के लिए बहुत बढ़ गई है. प्रैक्टिस करना भी डिफिकल्ट है, एस्टैब्लिश करना भी डिफिकल्ट है. तो मेरे पास बहुत एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने सीखी है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सक्सेस मिली है. दो चीज़ें बहुत ही सिंपल सी चीज़ें जो शायद आप सी ऑब्वियसली आपको अगर ऐसा मुगालता है, ऐसा गुमान है कि आप यहाँ से MSc MCH पास आउट होकर निकल जाएंगे तो लाइफ का लाइसेंस टू लाइफ एंड लाइसेंस टू सक्सेस इन लाइफ अगर आपको मिल गया तो आज इसको यहाँ पर छोड़ के चले जाओ. इवन इफ यू पास MBBS MS MCH DM व्हाटएवर यू वांट टू डू फ्रॉम दिस और एनी इंस्टीट्यूट ऑन दिस अर्थ, योर डे विल बिगिन फ्रॉम दैट डे व्हेन यू एंटर इनसाइड द मार्केट, इनसाइड योर ओन प्रोफेशन. तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि ये जीवन का एक पड़ाव है, जैसा वो टर्निंग पॉइंट बोल रहे थे. बट लाइफ की जो रियल स्ट्रगल है, दैट वुड स्टार्ट वंस यू आर अ कंप्लीट डॉक्टर, मे बी 5 years फ्रॉम नाउ, मे बी 3 years 4 years फ्रॉम नाउ. नाउ व्हाट इज द की टू द सक्सेस फॉर दैट स्ट्रगल, मेरे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं. पहली चीज ये है कि मैं हमेशा अपने फादर मदर से पूछता रहता था कि क्या आप दे डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, उनकी खूब प्रैक्टिस, तो मैं हमेशा पूछता था कि क्या कारण क्या है, वाई देर आर सर्टन इंडिविजुअल्स जो प्रैक्टिस में इतने सक्सेसफुल हैं एंड येट वी सी अदर्स हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग थ्रू आउट देयर लाइफ. आप देखेंगे हमारी कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी को आप पकड़ के बैठ जाइए, कुछ लोग इतना आगे निकल गए और कुछ लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक्स के लिए. सो व्हाट इज द डिफरेंस, ऐसा क्यों होता है कि हम पूरी डिग्री, सबने एक जैसी डिग्री, आज आपको सबको, आपने सबने सिर पे इतना अच्छा एक जैसा पहन के रखा हुआ है, सबको अच्छे गोल्ड मेडल्स मिले हैं, सबको अच्छे सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, सबकी डिग्री पे वही सिग्नेचर होगी, बट व्हाट इज दैट व्हिच क्रिएट्स दैट डिफरेंस. तो मुझे ये समझाया गया कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपनी लाइफ में, मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी भी, मैं थोड़ा बड़ा दिखता हूँ लेकिन उतना बड़ा नहीं पास हुआ हूँ, ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं हुआ करियर में, जस्ट 8-9 years इन माय ओन प्रोफेशनल करियर. बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन दीज 8-10 years व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिसेस, नंबर वन के इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर प्रैक्टिस में पैसे की बहुत वैल्यू नहीं होती है. वो शायद समझा के गए कि पैसे की वैल्यू नहीं होती है. आई थिंक यू शुड स्पेंड सम अमाउंट ऑफ योर मनी इन ट्रीटिंग द पेशेंट्स एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट, that despite giving them the most excellent services. आप जिस भी स्पेशलिटी में जाएं, पीडियाट्रिक्स ले आओ, अभी आपको पीजी करना पड़ेगा. MBBS का आजकल कोई रोल नहीं है सोसाइटी में, इट्स अ हार्डकोर रियलिटी. इसमें बुराई अच्छा मानने की जरूरत नहीं. आप जब पीजी करके अपनी स्पेशलिटी में आगे आएंगे तो कुछ बजट अपने पास, जैसे आप अपना घर खरीदने के लिए, गाड़ी शादी के लिए या कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ बजट रखें. कीप, आई नो यू ऑल ऑफ यू हैव दैट बजट, कीप दैट बजट टू ट्रीट योर पेशेंट्स एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस विद एक्सेलेंट सर्विसेज इनिशियल फॉर 200-300 days ऑफ योर प्रैक्टिस. एक ये अपने पास रखिए वो बजट जिसको कि आप उन पर पेशेंट्स पर खर्चा करेंगे और डिस्पाइट देम नॉट पेइंग यू सफिशेंटली, आप प्रॉमिस करिए कि आप उनको बेस्ट ऑफ द सर्विसेज देंगे जो आपकी कैपेबिलिटीज में होगा. यदि ये आप अपने पहले 300 दिनों की प्रैक्टिस में करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको आगे आने वाले ईयर्स हैं, आगे आने वाले सालों में तकलीफ नहीं पड़ेगी. कुछ पार्ट ऑफ योर मनी कीप इट टू सर्व योर पेशेंट्स विद द बेस्ट पॉसिबल एबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी यू हैव, इवन इफ दे आर नॉट एबल टू पे, पहली चीज. और दूसरा और लास्ट, इसके पहले कि मैं अपना स्पीच एंड करूँ, इज दैट देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ब्रदर सिस्टर मदर टेस्ट. एनीबडी नोज ब्रदर सिस्टर मदर टेस्ट क्या होता है? दिस आई हैव रियलाइज्ड. आप ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट अपने पेशेंट पर मत करना चाहो, अपनी ब्रदर सिस्टर, अपनी मदर या अपने फादर पर ना कर सको. ऑलवेज क्वेश्चन, जब भी कोई पेशेंट, इट्स सो प्रोफेशनल. आजकल हम लोग अनवॉन्टेड सर्जरीज कर देते हैं. यू हैव हर्ड अबाउट दैट केस वेयर अनवॉन्टेड हिस्टेक्टमीज हैव बीन डन, वेयर अनवॉन्टेड प्रोसीजर्स have been done on the patients, उससे deaths भी हुई हैं. So the problem is, हम लोग जब patient को treat करने जाते हैं तो शायद हम लोग ये सोचते नहीं हैं कि अगर इसकी जगह मेरा brother, mother या sister हुआ होता तो कैसा लगता. I was very lucky, मैंने मेरी family के सब members को operate किया हुआ. तो it's I'm being lucky. I realized at that part that when I was to operate upon my family members, it feels very different. बहुत अलग feeling आती है जब आप एक attender बन के सोचते हो. तो always वो test लगा के देखना, आप कभी भी अपने किसी भी patient के लिए गलत decision नहीं लोगे, किसी ड्रग कंपनी के फेयर में नहीं पड़ोगे, किसी गलत अनएथिकल, क्योंकि आप अपनी मदर के साथ कैसे गलत कर सकते हो. जस्ट पुट दैट टेस्ट व्हेनेवर द पेशेंट टर्न्स इनटू योर क्लिनिक एंड दैट वुड डिटरमाइन योर बिहेवियर. मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें यदि आप फॉलो करोगे अपनी लाइफ में तो शायद
आप इस संस्था का, अपना समाज का बहुत नाम ऊंचा करोगे. लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर विच यू हैव टू फेस एज अ यंगस्टर इन प्रैक्टिस. आई नो प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना कितना डिफिकल्ट हो गया है. एंड सबसे बड़ी बात होती है कि जो समय में, पुराने समय में कहते थे कि डिग्री मिल गई बस अब काम हो गया, वैसा आजकल नहीं है. लाइफ की नई स्ट्रगल आपको फेस करना है. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छा लगा और बहुत पुराने दिन याद आए व्हेन आई यूज्ड टू सिट. एंड अभी मैं बोस मैडम से ये डिस्कस कर रहा था, शी वॉज आर टीचर, यू नो. आई एम सो हैप्पी दैट डॉक्टर जोशी वॉज माई एग्जामिनर इन एनाटॉमी. ही वॉज माई एग्जामिनर. बोस मैडम ने पूरे पाँचों साल मुझे गाइड किया. सो यू नो यू हैव बीन सो लकी कि हमारे जितने टीचर्स थे who made us what we are, आपको भी वही टीचर्स आज मिल रहे हैं. सो यू हैव बीन वेरी लकी. आपको MGM मेडिकल कॉलेज के वो स्टार टीचर्स मिले हैं आपके पूरे करियर में, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो. वो किसी को नहीं मिलते. नो प्राइवेट कॉलेज, आई कैन टेल यू. एंड यू हैव बीन लकी क्योंकि MP में ये प्राइवेट कॉलेजेस जब आना चालू हुए तब हमारे इन टीचर्स का रिटायरमेंट वहाँ पे था. एंड वी वर सो हैप्पी एंड वी प्रे फॉर देयर गुड हेल्थ दैट दे वर रेडी टू हेल्प एंड सपोर्ट अस. जिसका रिटायरमेंट हो जाता है वो इंसान अपने घर पर बैठता है. But these are our teachers who said, no, we are not going to sit at home, but we are going to teach another generation like they taught us. So I thank them, I bow down in front of them, and I wish all of you very best of luck in your life. I hope aapko khub shine kare, khub naam uncha kare apna is sanstha ka aur parents ka. Thank you very much.